गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एसएससी गुरुजी। एसएससी गुरुजी के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस ऑनलाइन सेशन में 11 मार्च 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज मोटिवेशन। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सुपर पावर। वंस यू स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग। बहुत बार ये देखा जाता है कि जब हम कोई कार्य चुनते हैं हमारे लिए, तो हमें थोड़ा सा अपने ऊपर डाउट होने लगता है कि क्या हमसे ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो आप अपने पे आत्मविश्वास रखिए। अगर आपने कोई काम चूज किया है तो वो आपसे बिल्कुल होगा। अपने आप पे जब आप भरोसा करना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद अपने आप आपको अपनी मंजिल दिखती चली जाएगी और आप उस पर काम करते रहिए, आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये एक हथियार है किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड विमेन विल वेब पोर्टल टू प्रमोट विमेन एंटरप्रेन्योरशिप। हाल ही में किसने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विमेन विल वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है गूगल। गूगल ने विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए विमेन विल नाम से वेब पोर्टल लॉन्च किया है। रिसेंटली हु हैज बैंड द वियरिंग ऑफ बुर्का इन पब्लिक प्लेसेस। हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने अपने पब्लिक प्लेसेस पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है। रिसेंटली वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल ओपन्ड। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल कहां खोला गया है? तो उस सिटी का नाम है दिल्ली। दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल खोला गया है। किडनी डायलिसिस का मतलब होता है जो हमारे शरीर में जितना भी रक्त होता है उसको साफ करने की ये प्रोसेस होती है। इसमें करीबन 12,000 से 15,000 का खर्चा आ जाता है। तो सबसे बड़ा भारत का हॉस्पिटल खोला गया है दिल्ली में। Which state assembly has passed anti-conversion bill? किस राज्य की विधानसभा ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया है? तो उस स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अपनी विधानसभा में एंटी कन्वर्जन बिल, धर्मांतर विरोधी विधेयक पारित किया है। रिसेंटली सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज डिक्लेयर्ड विच स्टेट इन द कंट्री एज द मोस्ट पोल्यूटेड। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश में किस राज्य को सबसे प्रदूषित बताया है? तो उस स्टेट का नाम है ओडिशा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ओडिशा को सबसे प्रदूषित बताया है। इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क हैज बीन ओपन्ड इन विच स्टेट। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस राज्य में खोला गया है? तो उस राज्य का नाम है तेलंगाना। तेलंगाना में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है। आगे बढ़ने से पहले जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए इंफॉर्मेशन है कि डेली यहाँ पे सुबह 9:30 बजे आप उठ भी जाते होंगे। फिक्स 9:30 बजे हमारी एक क्लास होती है जिसमें हम पूरे दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उन्हें सिर्फ 5 मिनट में कवर कर लेते हैं, जो कि आपके जितनी भी आने वाली एग्जाम्स है जैसे कि SSC, CGL, CHSL, MTS, NTPC, CBT2 और बाकी सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जितने भी हम MCQ कराते हैं वो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। जो लेटेस्ट पैटर्न है आपका उसी पे आधारित, जो TCS पूछता है उसी पे आधारित करके हम ये कंटेंट बनाते हैं और आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। मंडे टू संडे डेली ये क्लास होती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। रिसेंटली विद विच कंट्री ऑस्ट्रेलिया हैज सस्पेंडेड इट्स डिफेंस कोऑपरेशन। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है? तो उस देश का नाम है म्यांमार। ऑस्ट्रेलिया ने म्यांमार के साथ अपना रक्षा सहयोग निलंबित कर दिया है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द मैत्री सेतु ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन त्रिपुरा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
त्रिपुरा में भारत और किस देश के बीच में बने मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है? तो उस देश का नाम है बांग्लादेश। मैत्री सेतु पुल भारत और बांग्लादेश के बीच में है। और आपसे ये सवाल एक और तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बताइए मैत्री सेतु पुल भारत के किस राज्य में है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा में मैत्री सेतु पुल है और ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। रिसेंटली हु हैज वॉन गोल्ड मेडल इन मार्टियो पेलिकोन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज? हाल ही में किसने मार्टियो पेलिकोन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर है बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया जी ने मार्टियो पेलिकोन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के करंट अफेयर्स इतने ही थे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।